हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि किसी विद्युत द्विध्रुवीय निकाय को समविद्युत क्षेत्र में घुमाने पर कितना कार्य किया जाता है, उस कार्य के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कर रहे थे। तो हमारे पास में एक समीकरण आई थी, वो थी किया गया कुल कार्य W इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू थीटा नॉट और PE साइन थीटा डी थीटा। देखिए, यह पिछले वाली एक समीकरण थी, हमने कुल वर्गडन जीरो से थीटा नोट कौन तक घुमाए तो कुल कितना काम हमें करना पड़ेगा, तो कुल कार्य हम समाकलन से निकाल सकते हैं। चलो समाकलन करते हैं। डब्ल्यू बराबर पीई कांस्टेंट है, भार आ गया, जीरो से थीटा नोट साइन थीटा डी थीटा। साइन का समाकलन कीजिए, W बराबर PE साइन का समाकलन माइनस कॉस थीटा और सीमाएं लिमिट की वैल्यू जीरो से कहां तक, थीटा नॉट तक। तो फिर W बराबर सीमाओं का मान रखिए PE माइनस ऊपरी सीमा कॉस थीटा नॉट माइनस माइनस प्लस निम्न सीमा कॉस जीरो। ठीक, तो फिर कॉस जीरो की तो वैल्यू वन होगी, तो W इक्वल PE माइनस कॉस थीटा नोट प्लस वन। इसको सिस्टमेटिक हम ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर पीई वन माइनस कॉस थीटा नोट। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपके पास में आ गई चार। अब एक बात हम यहां और देखें, वो है कि इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पे ध्यान देना, PE PE cos 0 माइनस cos थीटा नोट। क्या, कहां से शुरू किया कौन को, जीरो से कहां तक गए थीटा नोट तक, तो प्रारंभिक कौन जीरो था, अंतिम कौन थीटा नोट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि W बराबर PE W बराबर PE, दिस एम्प्लाइज W बराबर PE। तो ये रूप भी हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आपके पास में जो समीकरण है, इस समीकरण को हम जो है चार नंबर दे दें, और सॉरी इसको हम पांच नंबर। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा, कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा नोट, या फिर हम इस समीकरण को इसी तरीके से लिखते हैं। एक बार फिर से आप यहां से इसको मैं रिमूव कर रहा हूं एक मिनट के लिए, तो इसको आप इस तरीके से लिख देंगे। देखो ये आपके पास W बराबर है, तो W बराबर PE अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा नोट लोअर लिमिट प्लस कॉस जीरो, या W बराबर PE कॉस जीरो, ये निम्न कोण हो गया और उच्च कोण कहां तक जाना है, माइनस कॉस थीटा नोट। इसे हम समीकरण नंबर चार दे दें, और आप कॉस जीरो की वैल्यू रख दें, तो W बराबर PE कॉस जीरो की वैल्यू एक, एक माइनस कॉस थीटा नोट। इसे हम समीकरण नंबर पांच दे दें। तो किसी द्विध्रुव निकाय को जीरो डिग्री से थीटा नॉट कोण तक घुमाएंगे तब हमें समविद्युत क्षेत्र में इतना काम करना पड़ेगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान दे लीजिएगा। यह समीकरण आपके पास में पिछले वाले लेक्चर में थी, यहां से हमने पीई को बाहर निकाला, रह गया साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन करेंगे माइनस कोस थीटा, सीमाएं जीरो से थीटा नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ही, कोस जीरो को इधर लिख लेंगे और माइनस कोस थीटा नोट को इधर लिख लेंगे। ये हो गया प्रारंभिक कोण, ये हो गया तुम्हारे पास में अंतिम कोण। तो फिर ये समीकरण चार ऐसे लिखी जा सकती है, और इसी को हम जो है वो कोस जीरो को वन कर दें तो फिर ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन एक बात है, मैं एक कंडीशन लगा दूं कि यदि मान लीजिए किसी द्विध्रुव निकाय को थीटा वन कोण से थीटा टू कोण तक यदि घुमाया जाता
तो सामान्य रूप में फिर हम कैसे लिख सकते थे, ठीक है। तो यदि द्विध्रुव निकाय को, यदि द्विध्रुव निकाय को कोण थीटा वन से, थीटा बराबर थीटा वन से या थीटा वन से थीटा टू तक यदि निकाय को कोण थीटा वन से थीटा टू तक घुमाया जाए तब समीकरण चार से कार्य W बराबर, बोलो PE का तो PE आ जाएगा, PE जीरो की जगह हम थीटा वन रख दें तो cos थीटा वन, कहां तक जाना है थीटा टू तक तो माइनस cos थीटा टू। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई आपके पास में, पांच छ, ठीक। तो सामान्य रूप में हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो है हम और कंडीशन लगा दें, देखिए स्पेशल केसेस, विशेष अवस्थाएं, स्पेशल केसेस। नंबर फर्स्ट, यदि थीटा वन बराबर जीरो डिग्री एवं थीटा टू बराबर थीटा, तब समीकरण पांच से, तब समीकरण पांच से, बोलो कैसे लिखा जाए, तब लिखा जाए W बराबर PE cos 0 माइनस cos थीटा वन थीटा, और W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। ये बात नंबर हो गई सात। जनरल फॉर्मूले से हम ऐसे पहुंच सकते हैं। तो आप इक्वेशन टू इक्वेशन उतारते चले जाइए। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए क्या आता है। तो फिर W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा आ गया, लेकिन यदि मैं थीटा 1 की वैल्यू 0 कर दूं और थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री कर दूं तो स्पेशल केस सेकंड, स्पेशल केस या विशेष अवस्था दो, स्पेशल केस दो, यदि थीटा बराबर थीटा 1 बराबर 0 डिग्री एवं थीटा टू बराबर 90 डिग्री, तब वही समीकरण पांच से, तब समीकरण पांच से बताइए क्या आएगा। W बराबर PE cos 0 माइनस cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0, और cos 0 1 हो गया तो PE को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, PE आएगा। तो W बराबर PE, इसका मतलब इस अवस्था में किया गया कार्य 0 से 90 तक घुमाने में किया गया कार्य ये होगा समीकरण नंबर 8, ठीक। अब हम तीसरे स्पेशल केस की बात करते हैं, नंबर थर्ड क्या है। यदि थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री एवं थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, अर्थात द्विध्रुव निकाय जैसे ऐसे हैं और इसको घुमा करके इस तरीके से ले जाए विद्युत क्षेत्र में, तो 180 डिग्री तक ले जाए, तब वही समीकरण पांच से, तब समीकरण पांच से, बोलो क्या आ जाएगा। W बराबर PE cos 0 माइनस cos 180 डिग्री, cos 0 1, cos 180 माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
तो W बराबर PE क्या लिख दिया जाए, 1 माइनस माइनस 1, तो ये 1 1 2 हो गया, तो W बराबर 2 PE। ये आपके पास में 180 डिग्री तक घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा, ये समीकरण नंबर हो गई 9। तो इस तरीके से हम उन सभी फॉर्मूलों के ऊपर जो है वो नजर डाल चुके हैं कि देखिए सामान्य सूत्र ये बनाया हमने, इस सामान्य सूत्र से ये केस फर्स्ट थीटा 1 0 थीटा 2 थीटा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7। फिर थीटा 1 यदि 0 थीटा 2 बराबर 90 डिग्री कर दिया जाए, तब हम इस 90 डिग्री तक घुमाने में इतना काम करेंगे और पूरा 180 डिग्री घुमा दें 0 से लेकर के, तब हमें समीकरण 9 के अनुसार W बराबर 2 PE काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये आर्टिकल पूरा हो जाता है और अब आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम अगले वाली बात पे आते हैं। देखिए अगले वाला एक और आर्टिकल है आपके पास में, तो आर्टिकल क्या है, आगे वाला आर्टिकल है बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय की स्थितिज ऊर्जा, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, बाह्य विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारे पास में एक विद्युत क्षेत्र है सम विद्युत क्षेत्र, और इस सम विद्युत क्षेत्र को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई वेक्टर, और ये इन्फिनिटी है सपोज कीजिए। अब यहां से किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय को हम इस विद्युत क्षेत्र में लाएं, देखिए इस पैटर्न का क्या मतलब निकलता है कि आपके पास इधर पॉजिटिव प्लेट है, इधर जो है वो नेगेटिव प्लेट है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से किधर होती है, माइनस की ओर, इसलिए उसकी जो डायरेक्शन है हमने पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दर्शाई है। तो आप अपने मन में ऐसा सोच सकते हैं कि इधर क्या चीज है पॉजिटिव प्लेट, इधर क्या चीज है नेगेटिव प्लेट, और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है प्लस से माइनस की ओर, उसे इस एरो से हम दिखा रहे हैं, जिसका मीनिंग यही निकलता है। लेकिन अब देखेंगे हम किसी द्विध्रुव निकाय को और ये इस विद्युत क्षेत्र में लाएं, तो हमारे पास में ये आवेश माइनस क्यू, ये आवेश प्लस क्यू, और ये जो द्विध्रुव निकाय है उसकी ये द्विध्रुव लंबाई 2a, तो मैं यहां ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। लेकिन जब आप इस द्विध्रुव निकाय को अनंत से इसके अंदर लाएंगे तो माइनस क्यू आवेश जैसे ही विद्युत क्षेत्र में इंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो कितना बल लगेगा, माइनस क्यू ई, और वो माइनस क्यू ई जो बल है वो 2a दूरी तक लगेगा या 2a विस्थापन तक रहेगा। तो फिर किया गया कार्य क्या हो गया, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, और बल गुणा विस्थापन जो बल आया है उसको हम दूरी 2a से गुणा करते हैं, विस्थापन 2a से गुणा करते हैं, तो कार्य आ जाएगा, और जो कार्य होता है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो आइडिया समझ में आ गया होगा कि जैसे ही विद्युत क्षेत्र में लाएंगे पहले कौन सा आवेश जाएगा, माइनस क्यू, तो वो बल अनुभव करेगा, और बल से जो है फिर विस्थापन हो रहा है तो फिर कार्य होगा, और उसी कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो ये इसका
जो है वो लॉजिक है या आइडिया है। तो फिर यहां हम देखिए क्या चित्र में, चित्र में समविद्युत क्षेत्र, समविद्युत क्षेत्र ई दर्शाया गया है, दर्शाया गया है जिसमें किसी द्विध्रुव निकाय, जिसमें किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय का ए बी, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है अनंत से, समय विद्युत क्षेत्र ई दर्शाया गया जिसमें किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय ए बी जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है अनंत से लाया जाता है, जाता है कहां से लाया जाता है अनंत से। तो फिर हम ये कहेंगे कि जैसे ही द्विध्रुव निकाय विद्युत क्षेत्र में प्रवेशित करता है तो जब विद्युत द्विध्रुव निकाय, विद्युत द्विध्रुव निकाय विद्युत क्षेत्र में प्रवेशित करता है तब इसके आवेश माइनस क्यू द्वारा अनुभव किया गया बल, अनुभव किया गया बल क्या लिखूं, एफ बराबर माइनस क्यू ई, ये समीकरण नंबर एक। बोलो जैसे ही माइनस क्यू, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू सिस्टम इधर था तो जैसे ही लाएंगे तो पहले माइनस क्यू इंटर करेगा तो कितना बल लगेगा माइनस क्यू, तो बल एफ द्वारा दो ए विस्थापन जब तक ये दो ए जो है वो डिस्टेंस कवर नहीं हो जाती द्विध्रुव निकाय के द्वारा, जब तक वो पूरा विद्युत क्षेत्र भी नहीं आएगा और तब तक जब तक दो ए डिस्टेंस है तब तक ये बल एफ भी काम कर रहा है। तो आता है बल एफ द्वारा, एफ द्वारा द्विध्रुव निकाय में, निकाय में, निकाय में विस्थापन दो ए उत्पन्न करने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य ठीक। तो कार्य कितना हो जाएगा, बल डब्ल्यू एफ इंटू में टू ए, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू टू ए, समीकरण नंबर दो। जैसे ही माइनस क्यू इंटर करेगा तब दो ए डिस्टेंस तक ये बल लगता रहेगा और दो ए डिस्टेंस कवर होने पर ये पूरा द्विध्रुव निकाय विद्युत क्षेत्र में आ जाएगा। तो फिर एक व दो सी बोलो क्या चलता है, डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू ई इंटू टू ए और डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू इंटू टू ए इंटू ई और क्यू इंटू टू ए पी के बराबर, तो डब्ल्यू बराबर माइनस पी ई, क्यों, क्योंकि Q इंटू टू ए बराबर द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपके पास में समीकरण नंबर तीन हो गई। तो फिर किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय को सम विद्युत क्षेत्र में लाने पर कितना कार्य किया जाएगा, ये कार्य आपके पास में W बराबर माइनस पी ई होगी। लेकिन इसे हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, तो फिर कार्य या स्थितिज ऊर्जा U ठीक है। तो कार्य या स्थितिज ऊर्जा, कार्य या स्थितिज ऊर्जा, तो W बराबर यह आ गया हमारे पास में U बराबर W बराबर माइनस पी ई। तो इसे आप नोट कर सकते हो। अब अगले वाली बात पर आते हैं, वो क्या है देखिए, नेक्स्ट बात है
यदि इस द्विध्रुव निकाय को विद्युत क्षेत्र में लाने के बाद में थीटा कोण तक घुमा दिया जाए तब कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य जो है घुमाने में स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, और वो हम पहले निकाल चुके हैं क्या W बराबर PE1 माइनस cos थीटा, यदि जीरो से उसको थीटा तक घुमाएं तो फिर हम वो भी जो है कुल कार्य निकाल सकते हैं। कुल कार्य कैसे ज्ञात करेंगे कि पहले तो लाए और ला करके घुमाए, तो लाने में कितना काम करना पड़ा, ये तो हुआ, ये आ गया वो काम दो, और फिर उसको घुमाने में कितना काम करना पड़ा वो भी हम ज्ञात कर चुके हैं। यदि दोनों कामों को जोड़ दें तो बताइए कुल कार्य या कुल स्थितिज ऊर्जा होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर आपके पास में तीन आ चुकी थी, तो मैं इसके आगे नोट कर रहा हूं। देखिए यदि यदि द्विध्रुव निकाय को काय को सम विद्युत क्षेत्र में लाकर इसे थीटा कोण तक घुमाया जाए चाहे तब घुमाने में किया गया कार्य या ऊर्जा कितनी आई थी हमारे पास में, वो फार्मूला था यू डैश बराबर, लिख सकते हैं इसे यू डैश बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। ये समीकरण नंबर क्या, ये आर्टिकल हमने पिछला वाला आर्टिकल व्युत्पन्न किया था, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यू डैश बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। तो फिर कुल कार्य या ऊर्जा, लेकिन आप समझिएगा ये कुल कार्य या ऊर्जा जो हम लिख रहे हैं यू डॉटल वो हिस्सा है, एक तो ये यू का और एक हिस्सा है यू डैश का। तो ये समीकरण नंबर 5 हो गई आपके पास। तो अब हम 3 और 4 का मान उठा करके 5 में रख दें, तो समीकरण 3, 4 व 5 से क्या रिजल्ट आया, U टोटल बराबर U की वैल्यू कितनी थी माइनस PE प्लस PE 1 माइनस cos थीटा, और U टोटल निकालना चाहें तो माइनस PE ब्रैकेट ओपन कर दीजिए PE माइनस PE cos थीटा, और PE से PE क्या हो गया कैंसिल, और U टोटल कितनी आ गई U टोटल आ गई माइनस PE cos थीटा। समीकरण नंबर कितनी हो गई 6। यहां तक हम पहुंच गए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो फिर मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो अब देखिएगा हम इस कुल कार्य या इस ऊर्जा को विद्युत द्विध्रुव निकाय को विद्युत क्षेत्र में लाने और घुमाने में किया गया टोटल कार्य ये जो आ रहा है, अब ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि U टोटल बराबर P वेक्टर डॉट E वेक्टर। देखिए ये आपके पास में एक तो ये समीकरण बन गई 5-6 और एक ये समीकरण बन गई 7, इसका मतलब P डॉट E, क्योंकि cos थीटा को विलुप्त करेंगे तब यहां पर जो है वो डॉट लगा देंगे, तो फिर ये अदिश गुणनफल हो गया P और E का जो ऊर्जा या कार्य के बराबर है। तो ये हमारे पास कुल कार्य या संग्रहित ऊर्जा हो गई। अब यहां से अगले वाली बात आती है हमारे पास में कुछ स्पेशल केस ले लें, स्पेशल केसेस विशेष अवस्थाएं।
क्या नंबर फर्स्ट। पहला केस देखिए, पहला केस क्या है, पहला केस है कि यदि थीटा का मान जीरो डिग्री हो जाए, यदि थीटा बराबर जीरो डिग्री, तब समीकरण कितने से, छह से, समीकरण छह से u टोटल बराबर माइनस पीई कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो u टोटल बराबर माइनस पीई, ये आपके पास में समीकरण नंबर आ गई आठ। अब ऐसी स्थिति में निकाय की कुल ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक है, देखिएगा यूटी बराबर माइनस पीई, तब इसे हम जो है क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे निकाय की स्थायी संतुलन अवस्था। यह निकाय की स्थायी संतुलन अवस्था कहलाती है, संतुलन अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस हो गया कि किसी की ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक है, मैक्सिमम ऋणात्मक है, तो मैक्सिमम ऋणात्मक है तो फिर वो स्थायी संतुलन अवस्था में है, कोई आदमी यदि ऋणी हो जाए तो हम कहते हैं उसको देसी भाषा में कि ठाई बैठ जाना, कहने का मतलब कि अब स्थायी संतुलन में आ गया यदि उसने किसी से ऋण ले लिया, तो फिर ये उसकी क्या कहलाएगी, स्थायी संतुलन अवस्था। कब, जब थीटा बराबर जीरो डिग्री है या पी और ई आपस में समांतर। अब हम आते हैं दूसरी जो है उस स्थिति में, दूसरे केस पर, थीटा की वैल्यू हमने कितनी कर दी, यहां पर थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री कर दी, तो स्पेशल केस सेकंड देखें, यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री, दूसरा केस, यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री, तब समीकरण कितने से, वही छह से, बोलो क्या लिखू, यू टी बराबर माइनस पीई कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, तो फिर यू टी उसकी स्थिति ऊर्जा जीरो हो गई। ठीक, ये उसकी जो है असंतुलन अवस्था है। अब हम बात करते हैं नंबर तीन, क्या यदि थीटा इक्वल 180 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री हो जाए, 180 डिग्री, तब देखते हैं कि निकाय की कुल ऊर्जा कितनी आती है, तो समीकरण 6 से, समीकरण 6 से यू टी बराबर क्या लिखा जाए, पीई माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो फिर यूटी बराबर पीई, ये आपके पास में आ गई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये कहलाती है, ये समीकरण नंबर कितनी बन गई आपके पास में, 9, ये बन गई आपके पास में 9, और ये हो गई 10। लेकिन ऐसी स्थिति में कहलाती है निकाय की अस्थायी संतुलन अवस्था, निकाय की अस्थायी संतुलन अवस्था। ठीक है, तो ये आपके पास में तीन केस हो गए, एक तो ये वाला जब थीटा का मान जीरो डिग्री हो तो निकाय की स्थायी संतुलन कहलाएगी, ये जो है वो निकाय की जो है वो ऐसा असंतुलन स्थिति कहलाएगी, और ये जो है अस्थायी संतुलन कहलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में जो है वो दो तरह का संतुलन होता है, एक स्थायी और एक अस्थायी। जैसे स्थायी संतुलन तो क्या है कि मैं इस डस्टर को जो है यहां हथेली पे खड़ा कर रहा हूं, तो बिल्कुल ये स्थायी संतुलन में है। चेक कैसे किया जाए कि इसको थोड़ा सा किसकी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो है माध्य स्थिति से डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन ये बबलिंग करके वापस स्टेबल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि स्थायी संतुलन अवस्था है। लेकिन यदि मैं इस पैन को इस पे रखूं
तो ये फिर संतुलन तो बनता है, लेकिन ये संतुलन स्थायी नहीं होता, क्योंकि माध्य स्थिति से थोड़ा सा विचलित होने पर ये पैन गिर ही जाता है। इसलिए संतुलन तो बनेगा लेकिन स्थायी नहीं होगा, तो उसे हम अस्थायी संतुलन कहते हैं। तो बोर्ड में प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थायी संतुलन कब होता है, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो या पी और ई समांतर हो, ठीक है। अस्थायी संतुलन कब होता है, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो, अर्थात पी और ई के बीच में कोण कितने का हो, 180 डिग्री का हो। तो इस तरीके से जो है हम द्विध्रुव निकाय की जो संतुलन अस्थायी और अस्थायी संतुलन अवस्थाएं याद कर सकते। तो यह आज का लेक्चर यहीं तक है, आप इसे नोट कर लीजिए और टेस्ट के साथ साथ भी तैयारी करते जाइए। थैंक यू।